हाँ तुम लोग बराबर हो रहा, खाली हाथ का स्टेप, हाथ का स्टेप। नहीं अब्बा तुम पूरा गाना खराब कर देंगे। खाना एक नंबर था, एक नंबर। कड़ी कैसी थी मच्छी कड़ी? कड़ी ओहो, 25 साल का सौद आदमी है। तू मारेगा ये देख रहा है ना, दा दूंगा ना ऐसा टेढ़ा कर दूंगा इधर ही। मेरे नीचे दो माए, एक मेरी माँ एक सीमा। सलाम वालेकुम गाइस, मिस्टर मुनीर ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? मैं भी मस्त हूँ, मजे में हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग भी अच्छे हैं क्या? अल्लाह का शुक्र है, हम सब अच्छे हैं। अभी मैं रील्स बना रहा था, उतने में आफरीन का फोन आ गया है। बजे है शाम के 7। घर पे ऑलरेडी कोई आने वाला था जिसको मैंने दावत दिया था, तो उतने में अभी आफरीन फरजाना वहीं थी, तो आफरीन का भी फोन आया, बोला हम लोग भी आ रहे। हालांकि आज है बुधवार, तो बुध के दिन तो आफरीन जल्दी आती नहीं, क्योंकि बच्चे लोग की कल स्कूल है और ट्यूशन रहता, तो आती नहीं है। पर अभी फरजाना भी वहीं थी, तो फिर आफरीन ने फ़ोन करी, बोली अब्बा मैं भी आ रही, तो मैं बोला आ जा। तो मैंने किसी को दावत दिया था या किसी को हमारे घर की कुछ डिश खाने का था, तो उसने बोला था कि मामा मेरे लिए बांगड़ा फ्राई और बांगड़े का सालन, हम लोग बम्बई में सालन बोलते, ग्रेवी तो बनाना, तो मुझे खाने का है। तो मैंने आज दोपहर में मुझे मच्छी मिल गई, बांगड़ा भी और सुरमई भी मिल गई थी, तो मैंने लेके आया और लाके फिर मैंने फरजाना को दिया। फरजाना ने साफ करके फ्रिज में रख दी। तो खाने का था, अभी वो आने वाले थे अभी 9 बजे, वो तो मैं आफरीन का भी फ़ोन लगा कि अब्बा हम लोग भी आ रहे, तो मैं बोला आ जाओ। तो सुरमई मच्छी फरजाना फ्रेश करके रखी है और बांगड़ा भी मसाला लगा के रखी। अब ये लोग आ रहे हैं और अपन लोग सब अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं, फ्रिज में क्या क्या रखी है फरजाना, चलो अपन देखते। बेडरूम की लाइट बंद है तो मैं चालू करता हूँ, देखो बांगड़ा मच्छी को मसाला लगा के फरजाना रख चुकी है। ये मीडियम साइज के बांगड़ा मिले, मुझे मांगता था बड़ा बांगड़ा पर नहीं मिला, तो कल साकिना का भी गया था पर नहीं मिला, तो फिर ये मीडियम साइज का मिला। तो मैं बोला अभी चलेगा, क्या करेंगे, चलो ये ले लेता। और यहाँ पे भी बांगड़ा है और गीला बोम्बिल मच्छी है जो धो के रखी है, ये आज नहीं बनेगा, ये शायद फिर कल परसों बन जाएगा। सुरमई मच्छी भी रखी है, पता नहीं अब कहाँ है सुरमई मच्छी। सुरमई मच्छी भी साफ करके फ्रिज में है और अब किधर है पता नहीं, कि इसके अंदर ही, हाँ हाँ शायद इसके अंदर ही है सुरमई मच्छी, तो उसका ग्रेवी सालन बनेगा। अभी देखते हैं, फरजाना भी आ रही है और फिर फटाफट पकाएंगे, क्योंकि 7 बज चुका है और बच्चे लोग भी शायद आएंगे, क्योंकि कल स्कूल है, फिर रात को खाना पीना खा के चले जाएगा। और आप लोग को मैं ये बता दूँ कि उनको खाने पर हम लोग क्यों बुलाए, क्योंकि ना वो बच्चे का मैं बोलने अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसका डिटेल आपको बाद में दूंगा कि क्यों खाने को आया, क्यों खाने को बुलाया हूँ, तो आप लोगों को मैं कभी फिर बताऊंगा, क्योंकि नहीं बोला जा रहा मुझसे। और इसका मैं ब्लॉग बनाऊंगा बाद में, अभी नहीं बना सकता, पर बाद में बनाऊंगा कि क्यों, क्या तकलीफ है, तो मैं बाद में बताऊंगा। तो चलो अभी फरजाना आफरीन आएंगे, खाना बनेगा, और मेरी बहन और बहन का लड़का मतलब मेरा भांजा कौन आ रहा है उसको आपको बताऊंगा कि कौन आ रहा है, तो आप देखते रहना पूरा ब्लॉग कि कौन सा भाई, कौन सी बहन और कौन सी बहन का लड़का आ रहा है खाने के ऊपर, ठीक है? तो चलते मिलते हैं उन लोग आने के बाद। देखो गाइस, आफरीन बच्चे सब आ चुके हैं और पंखा हमारा खराब हो चुका है, पंखा कहाँ पे लटका है रखिए, क्योंकि अचानक देखे तो पंखा बंद पड़ गया, मैं चालू करने को जा रहा तो चालू ही नहीं हो रहा। फिर अभी चांद आए, चांद ने खोल के देखे तो कुछ मिस्टी क्या लगता, तो अभी बन रहा नहीं पंखा, वालेकुम सलाम, हम लोग आगे से चेक किए, आ गए अंकल, हम लोग तो चेक किए बाबा आके, पर बना ही नहीं। अभी वो अंकल आए, सुनील अंकल आए क्या? नहीं आए, देखो सुशील अंकल ये जो आए ना। तो गाइस अभी चांद ने भी खोल के रखे, वो कुछ बन नहीं रहा है, तो अभी हम लोग ने वायर में अंकल को बुलाया है, देखते भी क्या होता है। ये सब पंखे आ गए,
चल जुटता पंखा सब्सक्राइबर कर बोल सब्सक्राइबर करो सब्सक्राइबर करो मेरे नाना को क्या देख रहे जल्दी जल्दी बढ़ाओ अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुआ ना तो देख लेना अरे 1 मिलियन 1 मिलियन तो चेहर 1 लाख हो जाए देखो अभी ये पंखे के साथ भी खेलना शुरू हो गया अरे रखो रे बाबा तो गाइस देखो कौन आया है आज मेरा भांजा आया है हाय और मेरी बहन आई वालेकुम आप लोगों को बोला था ना आज मेरे घर पे कोई आने वाला है मेरा भांजा है और मेरी बहन आई ले है आप इन बच्चे भी आ गए अभी हम लोग खाना खाएंगे तो गाइस आप लोगों को बोला था ना आज मेरे भांजे की मनपसंद बांगड़े का सालन नहीं आज बांगड़े का सालन भी है और सुरमई का सालन भी है और बांगड़ा फ्राई भी मेरे भांजे ने बोला था कि मामू को बोला बांगड़े का सालन बनाने और फ्राई करने तो आज मेरे बांगड़े भांजे की बांगड़ा की रेसिपी बनी है और ये दावत ऐसी है ऐसी नॉर्मल हम लोग भाई बहन की ऐसी दावत है खाली तो आफरीन भी आ चुकी बच्चे लोग को लेके और हम लोग बैठे और बाद में अभी आपको पंखा खराब हो गया था पंखा बन गया पर ये देखो पंखा चालू हो गया वायरमैन भाई आए थे पंखा बना दिए अभी हम लोग बैठे आराम से अभी खाना खाएंगे बहुत सारी बंकस हंसी मजाक हुई है और पत्तब क्या मिलेगा बस गाइस आपकी दुआ रहे हमारे मामा पे और हमारे पे बस ऐसी हम लोग दिखा दे रहे कुछ ना कुछ बना के खिला के सुना के तो अभी खाना खाएंगे हम लोग आज मेरे भांजे की मनपसंद बना है खाना मुझको कुछ बोलने हाँ क्या बोलता है तो गाइस ये मेरे नाना है मामू है मामू 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 है ये नाना है ये मामू है मेरे अरे देखो ये क्या कर रहा है अरे नानी है मैं काम कर रही हूँ बात क्या है कि जरा शांति लोगी बोलते घर पे पर इधर शांति नहीं हो रही इन्होंने सर दुखा दिए थे सर दुखा दिए तो चलो गाइस अभी खाना खाते क्योंकि 10 बज गया सवा 10 हो गया भूख लगी है पत्ता भूख लगी है अब बर्तन को ऐसी खुशबू से पेट पर भूख लगी बोलता मेरी बहन बोलते है लिप के उधर ही खुशबू आ रही बोले बांगड़ा की फ्राई की मामी बहुत अच्छा खाना बनाते है मामी और बहन हमारी बचपन से मामी के हथके खा रहे तो फरमाइश थी कि आज भी बने हमारी मामी फरमाइश का खाना कम से कम 22-25 साल के बाद ये फरमाइश बनी है 22-25 साल तो चलो अभी खाना खाते फिर मिलते देखो मेरी बहन का नवरात्रि चालू है इसके लिए दाल चावल पापड़ अचार है ना बाबा का खाना और हाँ नवरात्रि इसके और प्रताप खा रहा है खाना खाने तो बोला खाना खाने प्रताप खाना खा रहा है खाओ हाँ चलो बिस्मिल्लाह चलो गाइस अभी हम लोग भी खाना खाने जा रहे हैं आप क्या खाना खाने के लिए सही है साले हाँ जंपर दस चलो मैं बोला जैसा खत्म होने के बाद तो खाएंगे आप खाओ मामा खिलाओ लो खाएंगे और मेरा बेटा देखिए बाबा का खाएगा वो इसको दिखा दिखा के खाएगा मैं नहीं खा रही हूँ ना इसको दिखा दिखा के खाएगा चलो मिलते खाने के बाद ये किसका मामू भांजी की मजाक मस्ती चालू है इधर पे चलो अभी आप झंडा निकाल रही सबको आवाज कम करो हमारा ब्लॉग चालू है इधर भाई प्रताप ले मां
थैंक यू एवरीवन। पेप्सी पी ले आओ। खाना हो गया हमारे मुनीर मामा के साथ बहुत अच्छी पार्टी थी। स्वागत किया हम लोग का। बहन का और भांजे का कोई स्वागत होता है नहीं, अपना अपना ही घर है, अपना ही घर है। दुआ दो दुआ। पर तब कैसा था खाना? खाना एक नंबर था, एक नंबर। कड़ी कैसी थी? मच्छी कड़ी। ओहो, 25 साल का सौद आदमी है। मामी के हाथ का खाना बिना खाए भी थम्सअप पी रहे। मामी के हाथ का 25 साल पुराना शेप। 25 साल पुराना शेप है इनके। छत्र छाए में खेले हम, अभी खाए थे। टेस्ट वही था ना, टेस्ट कड़ी का वही था। अरे वो आता था चाय पानी पीता था, पर उस खाना भी खाया, पर उसको पर्सनली मच्छी कड़ी बांगड़े का और बांगड़ा फ्राई चाहिए था, पर आज उसके नसीब में सुरमई भी था। सुरमई भी खाया, बड़ा मजा है, बहुत मजा है। तो गाइस भंकस 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 बहुत हो चुका है, मैं भी अभी ठंडा पी रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खाना अच्छा बना था, बहुत अच्छा खाना बना था। जैसा प्रताप पूछिए था वैसा ही टेस्ट मिला आज भी। इसके लिए मामी की तारीफ कर रहा, 25 साल पुराना टेस्ट आज भी मिला। तो खाना हम लोग को गया और अभी ठंडा, ठंडे का ग्लास कांच का हमारे घर में नहीं है। क्यों? कि हमारे नहीं, गरीबी नहीं है, गरीबी भी है पर हमारे यहाँ बच्चे नहीं रखते, इसी के लिए अभी हम लोग ने कांच का ग्लास लाना बंद कर दिए। इसके लिए हम लोग अभी हम लोग भी ठंडा इसमें पीते, आने वाले को भी इसमें पिलाते। सॉरी, अब जब तक बच्चे नहीं बड़े बड़े होंगे तब तक हम लोग कांच का कोई आइटम नहीं लाएंगे, और जो लाएंगे वो ऊपर रखने वाली चीज लाएंगे, नीचे बच्चे लोग के हाथ में रखने वाली चीज नहीं लाएंगे। ऐसा करने या क्या करने, पागल सा उसको कुछ मालूम नहीं है ना। फिर अच्छी बच्ची ऐसा कोई भी चीज को सोचने का ही करूंगा तो मेरे को मार पड़ेगी क्या, मेरे को चिल्लाएगी क्या, फिर करने का। आजकल के ऐसे लोग सही में, मैं खड़ा था उधर पे, क्या बोलती है ना, वाके मेरे को बोलती है अंकल ये इधर पे विंडोशी किधर है। मैं बोला बेटा आपकी उम्र कितनी है? तो बोलती है मेरी उम्र इतना 26 साल है। मैं बोला बेटा 25 साल की है अंकल। तो जल्दी चुप हो गई। मेरी दाढ़ी देख के यार क्या करेगा, मामा पैसे मिले औरत ऐसा करके दिए तो आदमी का हालत क्या होगा, ऐसी होगी दाढ़ी, ऐसी होगी बाल चले गए, आधा बाल माने निकाल रही, आधा औरत निकाल रही। और गाइस केमिकल के खाने खाके। और गाइस मेरे मामा को देखो क्या पूरे ये थोड़ा बाल निकल है, थोड़ा बाल, पूरे बाल निकले मामा के। करो रखो संभाल के, पैसा जमा करो, पैसा है तो सब है, संसार है, गरीब बच्चे हो तो माँ भी नहीं पसंद करती। क्या पसंद करी तुम्हारा दादा, वीडियो की माँ भी नहीं पसंद करती। गरीब बच्चे मुझे कमाता हूँ 30,000। किसको देता 30,000? हाँ वो तो पूछ ना, तू पूछ भाई। मेरे पीछे दो माँ, एक मेरी माँ एक सीमा। एक बार ट्राई करो, तीनों ट्राई करो डांस। ये कैसा स्टेप है? तुम एक बार वापस बताओ स्टेप सब एक साथ करो। हाँ हाँ थोड़ा आगे करो, आगे करो। हाँ हाँ तुम लोग का बराबर हो रहा, खाली हाथ का स्टेप, हाथ का स्टेप। नहीं अब्बा तुम पूरा गाना खराब कर देंगे, तुमको गाना खराब है ना। तो काम करो, तुम दोनों नहीं जानते तो तुम लोग दोनों। हाँ तुम दोनों चलो, इन लोग देखिए, चलो स्टार्ट करो। अभी भाई डांस बीस करके बहुत इंजॉय करके अभी चाय पी रहे, रात को फुप्पू नहीं पी रहे ना। ये देखो प्रताप भाई फुल इंजॉय करा है ना, मस्त। हाँ?
मेरे मामा को मस्त एंजॉय करा दिए प्रताप भाई ना, अभी सब चाय पीते बैठे हैं यहाँ पे। भांजे को बहुत सारी दुआ दो, बहुत सारी दुआ दो। हाँ अभी और एक डांस, एक एक गाने पे, एक गाने पे, एक गाने पे मस्त एंजॉय हो गया। खाना जो मुझे देखो पप्पू ने भी बोल दिया अभी चाय पे और एक रील बनाएंगे अपन। तो गाइस अभी हम लोग ने बहुत सारा रील्स भी बनाए, डांस भी किए और बहुत एंजॉय किए। बज गया है 12:30, प्रताप पसीना पसीना हो चुका है, थक गए हम लोग, थक गए और अभी चाय भी हो गई। अभी लोग निकल रहे हैं जाने के लिए क्योंकि 12:30 बज गया है, स्कूल भी है बच्चे लोग को, प्रताप को भी घर पे जाने का है। सब बैठे ले जा रहे हैं हम सब घर, अभी घर पे जा रहे। कितना बज गया बाबा का? 12:30 हो गया। 12:30 बज गया, बहुत एंजॉय किया ना प्रताप? बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। और कुछ हमारे चैनल के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस ऐसी प्यार देते रहो हमारे मामा को, और लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, और ऐसी मोहब्बत दो अपने प्यार में। हाँ और गाइस ये नारे पे कुछ तो दो, पर एक लाख एक मिलियन लाइक होना चाहिए मेरे नारे का, एक मिलियन चाहेगा तो। फिर प्रताप की बिल्ड और मेरी देख, ऐसी खाना बना बना के चल करता।